गाइस नमस्कार आप सभी का स्वागत है निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना इसे मैं पहले खुद पे अप्लाई की हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है गाइस मैं बस अभी वॉश करके आई हूँ और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिखा है बाल जो सफेद थे वो बिल्कुल ब्लैक पे अब आने लगे हैं और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि बाल बहुत ज्यादा शाइनिंग हो गए हैं सॉफ्ट भी हो गए हैं वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ तो भूलिएगा सा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी बताई हूँ कि इसे लगाना कैसे अप्लाई कैसे करना है सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर की हूँ तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है मेरे बालों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और उम्मीद करती हूँ कि जब आप मेरे बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो चलिए लेट्स गो तो दोस्तों सबसे पहले ले, ले लेना है आपको एक क्लीन बाउल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए कांच का हो प्लास्टिक का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पे फर्स्ट आपको लेना है कॉफी पाउडर जो कि इस रेमेडी का जान है तो दोस्तों आप किसी भी ब्रांड का कॉफी पाउडर यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे नेस कैफ़े का यूज़ कर रही हूँ एक चम्मच ले ली हूँ दोस्तों ये हमारे मेलेनिन को बूस्ट करता है बालों को सिल्की एंड शाइनिंग बनाता है मजबूत बनाता है तो यहाँ पे एक चम्मच ले लेना है आपको कॉफ़ी पाउडर नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ कोकोनट वायल यानी कि नारियल का तेल दोस्तों आप जो भी तेल अप्लाई करते हैं अपने बालों पे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आधा चम्मच से एक चम्मच आपको इतना यहाँ पे ऐड करना है बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ नारियल का तेल और इसे मिक्स कर देती हूँ यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड करना है अपना फेवरेट शैम्पू जो भी आप शैम्पू रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वही आपको यहाँ पे ऐड करना है एक चम्मच इतना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस रेमेडी को जब आप अप्लाई करके वॉश करेंगे तो फिर और आपको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो एक चम्मच इतना मैं यहाँ पर शैम्पू ले लूँगी जो भी शैम्पू आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं आपको वही शैम्पू यूज़ करना है इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और यहाँ पे मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और ऐड करने वाली हूँ तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये जो पेस्ट है ना ये हमारे बालों को पक्का कलर देगा ब्लैकिश कलर देगा साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे बालों को सिल्की एंड शाइनी भी बनाएगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर तो दोस्तों आप चाहे तो आप घर में भी उसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें चुटकी भर यहाँ पे ऐड करना है तो मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से मैं यहाँ पे पाउडर ऐड करने वाली हूँ ये हमारे स्कल के ब्लड सर्कुलेशन को इनक्रीज़ करता है जिसके कारण हमारे जो सफ़ेद हो रहे बाल को स्टॉप हो जाती है हमारे सफ़ेद हुए बाल रिवर्स होने लगते हैं ब्लैक में चेंज होने लगते हैं और दोस्तों आपके बाल सिल्की एंड शाइनिंग तो हो गए ही होंगे हेयर फॉल की जो भी समस्या है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी तो इस तरह से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये हमारा रेमेडी बनकर रेडी हो जाएगा इसे आपको अपने बालों पर अप्लाई कर लेना जैसे भी आप शैम्पू अप्लाई करते हैं बस उसी तरह आप इसे अप्लाई कर लें ले। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं बस ज़रूरत नहीं पड़ेगी अप्लाई करने के बाद पंद्रह मिनट तक अपने बालों पर रहने दें और उसके बाद इसे वॉश कर लें दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना फीड तो ये थी आज की वीडियो होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे